हेलो फ्रेंड्स, लतवार फैशन डिजाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कुर्ती की कटिंग किस तरह से करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, तभी आप परफेक्ट कटिंग सीख पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर कपड़ा बिछा लिया है। मेरी जो कुर्ती का कपड़ा है वो मैंने इसी तरह से बिछा लिया है। इसी के साथ मेरी सलवार भी है, तो वो भी हम अलग से निकालेंगे। ठीक है, तो किस तरह से निकालेंगे वो मैं आपको बता दूंगी। अब सबसे पहले देखिए, हमने अपने कपड़े को इस तरह से खोल लिया है पूरा। अब हम एक तरीके से देखिए, यहाँ पर जो हमारा मेजरमेंट पहले सामने होना चाहिए, तो सबसे पहले हम टोटल लेंथ लेंगे। यहां से देखिए, ऊपर से जहां पर हमारा ये कपड़ा है, यहां से हमने नीचे को लेनी है टोटल लेंथ। यहां से जितनी आपकी टोटल लेंथ है, पूरी लंबाई पहले लेनी है, तो वो है हमारी 42 इंचेस। अब उसमें प्लस 3 हम करेंगे फोल्ड के लिए। ठीक है, तो ये 43, 44, 45 हो गया, और प्लस आधा हम रखेंगे ऊपर इसको सीधा करने के लिए। तो साढ़े ये 45.5 इंचेस मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। अब देखिए, यहां से हमने इसको पकड़ना है इस तरह से, और इसको फोल्ड कर लेना है। ऐसे हमने इसको फोल्ड कर लेना है। तो अब देखिए, यहाँ पर हमने अपने कपड़ा फोल्ड कर लिया है। देखिए, सबसे पहले हमने लेंथ ली यहाँ से, ठीक है, और इसको उसके अकॉर्डिंग फोल्ड कर दिया। ये देखिए, अब यहाँ से हमने अपनी लेंथ नाप लेनी है। मेरी कपड़ा थोड़ा सा कम हो रहा है, तो मैंने लेंथ थोड़ी सी कम कर दी। 40 इंच ही मैंने इसकी तैयार लेंथ रखी, और प्लस उसमें 3.5 इंच किया, तो ये 43.5 इंचेस। तो अब ये आपने यहाँ तक नापना है, फिर सेंटर से भी आपने एक बार इसको नाप लेना है, और दूसरी तरफ से भी आपने इधर तक इसको नाप लेना है। तीनों तरफ से आपका बिल्कुल बराबर ये होना चाहिए। अब हम पहले इसको, ये 4 लेयर में हमने कपड़ा बिछा लिया है अपना। इस तरह से आपको भी बिछा लेना है। अब सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर सबसे पहले हम यहाँ से आधा इंच लेंगे नीचे की तरफ को, और इस तरह से यहाँ से भी आधा इंच लेंगे, और इसको सीधा मिला लेंगे। अब ये आधा इंच हमने क्यों लिया, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ से देखिए, अब हमने सीधी लाइन लगा लेनी है, सीधा इसको मिला लेना है। ये मिला लिया। अब यहाँ से आगे देखिए, हमने लेना है अपना तीरा। ठीक है, अगर देखिए आप कॉलर वाली कुर्ती बना रहे हो, तो उसमें आपको जितना आपका तीरा है, जैसे मान लीजिए ये था 13 इंच है, तो 13 इंच का आधा हमने लेना है, ये हो गया 6.5 इंच, 6.5। और अगर आप कॉलर वाली नहीं बना रहे हो, सिंपल गला बना रहे हो, गोल गला बना रहे हो, तो आपने 6.5 ही यहाँ पर रखना है। बट अगर आप कॉलर वाली इसको बना रहे हो, तो आपने इसमें आधा इंच प्लस कर लेना है। तो हम यहाँ पर रखेंगे 7 इंचेस। ठीक है, यहाँ पर हम रखेंगे 7 इंच तीरा। अब यहाँ से हम लेंगे आर्म होल नीचे, तो आर्म होल में यहाँ पर रख रही हूँ 8 इंच। अगर मैंने ये कॉलर वाली नहीं बनानी होती, तो मैं 7.5 इंचेस यहाँ पर रखती। इसमें भी आप फिर आधा इंच, मैं इसमें आधा इंच प्लस कर लेती हूँ, जो मेरी कटिंग के हिसाब से है। अब यहाँ से भी आगे हम 7 इंच लेंगे, 7 इंच पे एक मार्क करेंगे। ऊपर से भी हम यहाँ से 8 इंच पे मार्क करेंगे, और इसको सीधा मिला लेंगे। से आगे हमने लेनी है राउंड बस्ट। तो राउंड बस्ट बस थी हमारी पूरी 40 इंच, 40 इंचेस थी, तो उसमें देखिए उसका फोर्थ पार्ट हम लेंगे, तो 10 चौका हो गया 40, 10 चौका 40, प्लस उसमें आधा इंच करेंगे मार्जिन के लिए, आधा इंच की लूजिंग हम देंगे, तो ये हो गया हमारे 10.5 इंच। 10.5 इंच इस पे हमने सीधी लाइन लगा लेनी है इस तरह से, और यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे।
अब यहां से हम लेंगे कमर और हिप की लेंथ। तो यहां पर कमर की जो लेंथ है वो हम रखते हैं 14 इंचेस। ऊपर से देखिए यहां से यहां तक हमने 14 इंच रखा। अब यहां से नीचे आप को रखना है हिप लेंथ, ठीक है। तो हिप लेंथ जो है, अब अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपको रखना है 21 इंचेस पे, अगर आपकी हाइट ठीक है तो आपको 22 इंचेस पे हिप लेंथ लेनी है। तो मैं यहाँ पर 21.5 इंच पे ले रही हूँ हिप लेंथ। अब यहाँ से आगे हमारी हो गई हिप लेंथ भी, हमने कमर की लेंथ भी ले ली तो हिप लेंथ भी हमने ले ली। अब यहां से आगे हम लेंगे राउंड वेस्ट, जो कमर की गोलाई है वो हमने यहां से लेनी है। तो कमर थी हमारी 38 इंचेस, तो 38 हो गया, 9 चौका 36, उसका फोर्थ पार्ट हम लेंगे 9.5 आ गया उसका, ठीक है। अगर आप इसमें आधा इंच लूजिंग देना चाहते हो तो दे सकते हो, वरना आपको लूजिंग देने की इसमें जरूरत नहीं है, कमर में लूजिंग हम नहीं देते हैं। तो आपने एज इट इज रख लेना है, ये रखनी है आपने 9.5 इंचेस। अब आ जाइए हिप पर, तो राउंड हिप, हिप आपकी कितनी है, हिप थी हमारी 43 इंचेस, तो ये आ गया 11.5। 43 का फोर्थ पार्ट हम लेंगे तो ये 11.5 आ गया, और अब इसमें आधा इंच प्लस करेंगे तो ये आ गया 11.25, ठीक है, 11.25 इंचेस। यहाँ पर हम फिर से मार्क करेंगे और इसको इस तरह से हमने मिला लेंगे, इसको ऐसे हमने मिला लिया, यहाँ पे भी निशान। अब यहां से नीचे एक टोटल लेंथ पे निशान लगाएंगे, नीचे हमने टोटल लेंथ पे निशान लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं टोटल लेंथ यहाँ पर 41 इंचेस रख रही हूँ, बाकी हमारा मार्जिन 3 इंच का आ जाएगा, और इसको हमने सीधा स्ट्रेट लाइन में आगे मिला लेना है। तो अब देखिए यहां से आगे हम लेंगे पल्ला अपना, ठीक है। तो पल्ला जिसको जितना पहनना हो आप पल्ला नाप भी सकते हो, या फिर आप देखिए यहां से जितनी हमारी हिप हमने रखी है उसी के अकॉर्डिंग हम रखते हैं। मैं उसमें प्लस 1 इंच कर लेती हूँ या पूरा भी रख देती हूँ। तो मैं यहाँ पर पल्ला रखने वाली हूँ 11.5 इंच, 11.5 का मतलब है ये 23 इंच पल्ला हमारा होगा इस तरह से, और इसको हमने ऊपर अब मिला लेना है, इसको हमने यहाँ पे मिलाना है हिप, और हिप को कमर से और कमर को बस्ट लाइन के साथ मिला लेना है, यहाँ पर मिलाना। तो ये हमारी आ गई फिटिंग वाली सिलाई, जहां से हमारी लगेगी और यहाँ से हमारा तुरपाई के लिए फोल्ड होगा। अब हमने मार्जिन भी रखना है, तो मार्जिन कितना रखना है, हिप लाइन से हम मार्जिन रखेंगे आगे 1.5 इंच का, अगर आपने तुरपाई करनी है तो 1.5 इंच का रखना है, अगर आपने सिलाई देनी है तो आपने 1 इंच का ही फिर रखना है। और कमर से हम रखेंगे 2 इंच की मार्जिन कटिंग के लिए, और छाती से भी हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब यहां से भी हमने 1.5 इंच का मार्जिन ही रखना है, जहां पर हमारा पल्ला आएगा वहां से भी हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। अब इसको भी सेम वैसे ही हमने ऊपर तक मिला लेना है। तो अब देखिए ड्राफ्टिंग हमने शर्ट की कर ली है। अब आ जाइए यहाँ पर, सबसे पहले हम आर्म होल की शेप यहाँ पर देंगे, तो किस तरह से देंगे वो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये वाली लाइन है, अब देखिए यहां से हमने पहले डाउन जाना है 0.5 इंच, 0.5 पे हमने यहाँ पर एक मार्क करना है, ठीक है। और यहाँ से इस लाइन का हमने आधा निकालना है, जैसे 7.5 यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने आधा निकालना है, 7.5 इंच है ये, तो इस तरह से हम इंची टेप को फोल्ड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आधा ही आ जाएगा, ये हमारा आधा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अंदर की तरफ को हमने लेना है 0.5 इंचेस, 0.5 इंच हम अंदर की तरफ को गए। आप गोलाई किस तरह से देंगे, तो देखिए यहाँ से आपको एक तिरछी लाइन 1.5 इंच तक हम यहाँ पर ये लाइन इस तरह से लगा लेंगे, जो हमारा यहाँ पर कॉर्नर बन रहा है, ठीक है, यहाँ से हमने 1.5 इंच की लाइन लगा लेनी है। अब इसकी हम गोलाई दे देंगे, वैसे तो आप फ्री हैंड भी इसको दे सकते हो, बट अगर आप फ्री हैंड नहीं देना चाहते इसको तो आप इस तरह से इस गोलाई को फिर दे सकते हो। ये गोलाई आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, इसको नीचे को हमने इस तरह से मिला देना। अब जो 0.5 इंच हमने अंदर की तरफ को लिया था गले वाली साइड को, इसको हमने ऊपर जो 0.5 इंच हम डाउन गए थे वहां पर हमने मिला लेना है इस तरह से तिरछा, और सेम जैसे हमने गुलाई दी वैसे ही हमने इसकी गुलाई भी दे देनी है। पहले तो हम थोड़ा सा नीचे डाउन जाएंगे सीधा इस तरह से,
और फिर यहाँ से हमने इसको मोड़ देना। देखिए गोलाई अपने आप हाथ चलता है, आपने जबरदस्ती हाथ को नहीं मोड़ना है, तो वो वाली गोलाई फिर सही होती है। अब यहाँ से आगे हम लेंगे, ये देखिए जो अनफोल्ड वाली साइड है, सारी ड्राफ्टिंग देखिए अनफोल्ड वाली साइड से खुली तरफ को होती है। अब यहाँ से आगे हम लेंगे अपना गला, तो गला जितना किसी को ब्रॉड पहनना है, जैसे 3 इंच में यहाँ पर ले रही हूँ, ये 3 इंच हमने लिया और इसको हमने यहाँ पर मिला लिया, ये जो आधा इंच है इसके साथ हमने इसको मिला लेना है। तो ये हमारी सिलाई आएगी, देखिए यहाँ से जो हमारा आधा इंच हम डाउन गए थे वो हमारी सिलाई आएगी यहाँ से तीरे वाली। अब ऊपर ये जो हमने आधा इंच क्यों लिया था ऊपर, अब मैं आपको बताती हूँ ये आधा इंच हमने क्यों लिया था ऊपर को। तो ये देखिए यहाँ पर आधा इंच इसलिए लिया था क्योंकि ये हमने कटिंग देनी होती है। अब यहाँ से तो हमारी सिलाई आएगी तो कटिंग भी हमने देनी है, तो इसको हमने आधा इंच ऊपर से यहाँ पर मिला लेना है, इसको हम इस तरह से बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ से हमारी कटिंग होगी और ये हमारी यहाँ से सिलाई आ जाएगी, ठीक है। अब हमने इसको कट कर लेना है, ड्राफ्टिंग हमारी पूरी हो चुकी है, अब हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह से देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है। अब सेंटर पर हम नॉच लगाएंगे और यहाँ पर भी हम एक नॉच लगाएंगे, ठीक है, और एक हिप पर लगा देंगे नॉच, और एक हम यहाँ पर नॉच लगा देंगे जहां से हमने फोल्ड करना है, जिससे हमें दिक्कत नहीं आती, आसानी से हमें पता चल जाता है। इस तरह से हमने नॉच लगा दिए। अब हमने बैक का पार्ट अलग कर देना है, उससे पहले हम यहाँ पर निशान लगा देते हैं अपना रॉन्ग साइड का। बैक का पार्ट हमने अलग करना है क्योंकि हमने फ्रंट की कटिंग भी देनी है, तो बैक का पार्ट हम अलग कर देंगे और फिर फ्रंट को इस तरह से रखेंगे। और अब हमने इसको बिल्कुल बराबर करना है और इसकी यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये याद रखिए सिर्फ हमने फ्रंट की ही करनी है। सो फाइनली देखिए कुर्ती की कटिंग हमारी हो चुकी है। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इसकी स्टिचिंग सीखना चाहते हो उसमें मैं कॉलर लगा के भी आपको बताऊंगी, तो वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो बनाती हूँ तो वो बहुत लंबी हो जाती है, फिर उसको अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग। तो कैसी लगी प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।